अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, पर बहुत सारे रख रहे होंगे ख्याल, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, बड़ों को बहुत पसंद होती है, घर में सभी को बहुत पसंद है हमारी तरह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाली रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। जी गाइस, यहाँ पर ले लिया मैंने एक देचकी भर के पानी की, और मैकरोनी मैंने आधा किलो के करीब ली है, तो एल्बो मैकरोनी मैंने यहाँ पर ली है। और यहाँ पर इस पानी के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ एक चम्मच हल्का सा नमक का, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा साबुत मसाला, उसमें शामिल है जी आप देख सकते हैं लौंग है, ये लौंग है, और ये फूल है एक, और ये कड़ी पत्ता, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको बॉयल आने के लिए हम वेट करेंगे। ठीक है, जब तक पानी का बॉयल आ रहा है मैंने यहाँ पर रख दिया है ऑयल ऐड करके प्याज ब्राउन होने के लिए। अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर ऐसा ऐसा ऐड करते जाएंगे। मुझे जो मैं रेसिपी बनाती हूँ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि मैं किस तरह के खाने बना रही हूँ, आपको पसंद है। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं गाइस, तो तब तक पानी बॉयल आना शुरू हो गया, और अब हम इसके अंदर मैकरोनी को ऐड कर देते हैं, और एक दो बार इसको हल्का सा हिलाएंगे, और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और ये फिर नरम हो जाएंगी। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ना ऐड करना है ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चम्मच के बराबर लिया है ये मैंने, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इससे जो मैकरोनी है वो जुड़ेंगी। नमक भी जो है वो मैंने इसी वजह से इसके अंदर ऐड किया। तो फ्लेम को थोड़ा सा कर देते हैं मीडियम यहाँ पर, और इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। और अब चलते हैं अपने प्याज की तरफ। जी गाइस, प्याज यहाँ पर नरम हो चुका है, मैंने अदरक और टमाटर लिए हैं, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे हम हिला देंगे अच्छी तरह से, फ्लेम आपने बिल्कुल जो है वो मीडियम रखनी है, और ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो आपने बिल्कुल जो है ना वो ज़्यादा नहीं पकानी, हल्की हल्की आपने उनको जो है वो पका लेना हल्का हल्का सा, क्योंकि मैकरोनी के अंदर वेजिटेबल्स खिली खिली हुई नज़र आएँ तो अच्छी लगती हैं, और टेस्ट भी उनका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ हल्का सा एक चम्मच जो है वो मैंने नमक ले लिया है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो, आलू, ये जल्दी नहीं पकते तो इसलिए मैंने बारीक बारीक काटे हुए, तो मैंने कहा साथ ही इसको डाल देती हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गल जाए। थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे 5 मिनट के लिए रखेंगे कवर करके। जी गाइस, जो हैं आलू वो हमारे कुछ नरम हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि इसके साथ ही जो हमने चिकन का कीमा बना के रखा था वो भी हम इसके साथ ही ऐड करेंगे, और इसे 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है नमक इसके अंदर ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, बाकी इसके अंदर काली मिर्चें जाएंगी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, वो मैं जब ये थोड़ा सा मसाला पक जाएगा तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। जी गाइस, ये जो मसाला है ना चिकन और आलू का, ये हो चुका है कुछ नरम, और अब फटाफट से हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च 2 ली थी बारीक कटी हुई, लंबी लंबी मैंने काटी है वो ले ली हैं। इसके साथ ही मैंने जो है वो बंद गोभी थोड़ी सी ली है, घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, अच्छी लगेगी मैकरोनी के अंदर। तो साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं मैंने, और ये भी मैं ऐड कर देती। अब हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से फटाफट से, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी चीज़, वो है जिस चीज़ का कलर बहुत नाइस आएगा, तो ये है कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें कुटी हुई, वो मैंने एक चम्मच भर के इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम हल्का सा हिलाएंगे, और इसके साथ ही थोड़ा सा लिया है मैंने पेपरिका पाउडर, इससे इसका कलर बहुत नाइस आएगा, तो मैंने सोचा कि ये भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ।
ये अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। वेजिटेबल्स हमारी जो है वो अभी चिकन और वेजिटेबल्स थोड़ी सी पक जाएंगी, तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी भी बॉईल होने वाली है, अभी हम उसकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ हल्का सा जो बल्कि आधा चम्मच ही आप काली मिर्च का लेंगे, बहुत ज़रूरी जुज़ है मैक्रोनी का और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसको हिला देंगे अच्छी तरह से, और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, जिससे मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, वाकई बहुत आता है। शायद कुछ लोग जो बाद में वो चीज़ ऐड करते हों, लेकिन मैं पहले करती हूँ और बहुत अच्छी मैक्रोनी बनती है। तो अब हम चलते हैं मैक्रोनी की तरफ जो कि हो चुकी है बॉयल, और अब हम इसको निकाल लेते हैं छानने में। यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको कवर। जी गाइस, मैक्रोनी जो है हमारी बॉयल हो चुकी है बिल्कुल, और अब हम इसको एक छानने के अंदर निकाल लेते हैं और फिर इसको ठंडे पानी से धो के एक साइड पर रख देंगे और फिर मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ठंडे पानी में धोने का मकसद इसको ये है कि ये जुड़ती नहीं है, मैंने ऑयल और नमक डाल के ऐड करके जो पकाई है तो तभी ये नहीं जुड़ेगी। तो अब हम इसको निकालते हैं छानने में। जी गाइस, मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। जी गाइस, मैक्रोनी हो चुकी है रेडी, और अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। जी गाइस, जो मसाला है हमारा वो पक ही चुका है तकरीबन। थोड़ा सा हम इसके अंदर करते हैं पानी को ऐड और इसको हिला देते हैं अच्छी तरह से। आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी पक चुका है अच्छी तरह से, और वेजिटेबल्स भी पक चुकी हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर वो है केचप, जो मैंने ली है वो टमाटो केचप, और चिली सॉस मैंने लिया है वो मैं इसके अंदर एक प्याली भर के ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिली सॉस और एक प्याली भर के जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन जाता है। जी गाइस, ये मैंने ऐड कर दिया है केचप इसके अंदर, अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। जी गाइस, मैक्रोनी मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं मैक्रोनी। जी गाइस, ये यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ले ली, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपकी ये। अब हम सारी की सारी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। अच्छी तरह से हम इसे करेंगे मिक्स यहाँ पर, और मैक्रोनी हो चुकी है हमारी रेडी, अब हम इसे करेंगे डिश आउट। जी गाइस, मैक्रोनी हो चुकी है हमारी रेडी, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।